हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रो ऐप के बारे में, ग्रो ऐप पे अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आप भी सोच रहे हैं ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करके ग्रो ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे आप, यहाँ पर सर्च करना है ग्रो ऐप। सर्च करने के बाद इसे आपको इंस्टॉल करना है, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के बाद। इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल से रजिस्टर करना है, तो मेल आई डी जिससे आपको अकाउंट बनाना है, क्रिएट करना है, वो मेल आई डी आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर लिखा रहा है कंपनी सेटअप, कंप्लीट सेटअप, इस पर क्लिक करना है आपको। कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, जो बैंक लिंक करना चाहते हैं इस अकाउंट से आप ग्रो ऐप से, वो बैंक सर्च करना है। यहाँ पर उस बैंक का आपको नाम डालना है, जो भी बैंक है आप जिसमें आपका अकाउंट है वो यहाँ पे सर्च करना है, उस बैंक आपको एंड क्लिक कर देना है सर्च करने के बाद आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC नंबर डालना है, या तो आप IFSC नंबर डाल सकते हो डायरेक्ट, या आप उसकी जो ब्रांच है बैंक की वो सर्च कर सकते हो आप, उससे भी आपका IFSC कोड आ जाएगा। उस पर क्लिक कर देना आपको सर्च करने के बाद। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डालना आपको अकाउंट नंबर, क्योंकि ये आपका अकाउंट वेरीफाई करेगा, आपके अकाउंट में 1 रुपये डिपॉजिट करेगा, 1 रुपये जमा करेगा। ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपको KYC करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिजी लॉकर का KYC के लिए। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है आपको। यहाँ पे आधार नंबर आपका वेरीफाई करेगा KYC के लिए। यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे, इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है कैप्चा का, इस कैप्चा को आपको सही फिल करना है एकदम बिल्कुल जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर है रजिस्टर आधार कार्ड से उसको OTP गया है, वो OTP को डालना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको नया पिन बनाना है डिजी लॉकर के लिए। नया पिन आप डाल देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, यहाँ पर लिखा रहा है फेच, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड आपकी KYC हो चुकी है कम्प्लीट, यहाँ पे लिखा आ रहा है। कम्प्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करना है, ये आपकी फोटो वेरीफाई करेगा, पासपोर्ट साइज आपको ऐसा फोटो खींचनी है एंड आपको वेरीफाई करनी है। कैमरे पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ ऑप्शन आएगा सिग्नेचर का, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो आपके बैंक में सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर आपको लिखने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर मोबाइल पर टाइप करने हैं आपको मैनुअली एंड सबमिट कर देना है। इसे सबमिट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा नॉमिनी का, इन फ्यूचर अगर नॉमिनी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, मर्जी है आपकी, या इसे स्किप कर सकते हो। स्किप पे क्लिक कर देना है आपको, स्किप एनीवे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आधार से साइन करना है, प्रोसीड करना है आपको। ये आपका अकाउंट बन गया है, यहाँ पर अकाउंट फॉर्म खुल गया है आपका, एंड इसे साइन नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है आपका, इस तरह दिखाई दे रहा है आपको ये। फिर आपको दोबारा आधार नंबर डालना है, एक और बार वेरीफाई करेगा आपका। दोबारा आधार नंबर डालेंगे आप, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP जाएगा, यहाँ पे OTP डालना है आपको एंड वेरीफाई कर देना है आपको। वेरीफाई करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा आपका, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपके डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो गए हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो गए आपके, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन आपका अकाउंट बन गया है। तो इसमें अकाउंट बनने के बाद ना 48 का 72 का टाइम लगता है, वर्ष का टाइम लगता है अकाउंट बनने में। उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 48 या 72 के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस ग्रो ऐप में। तो दोस्तों ऐसे आप अकाउंट बना सकते हो ग्रो ऐप पे। ये सारे ऑप्शन खुल गए हैं यहाँ पे, आप दिखा रहे हैं कितने शेयर है आपके, जो भी शेयर खरीदना चाहो खरीद सकते हो यहाँ पे। ये वॉच लिस्ट है आपकी, सारे ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोने पे क्लिक करोगे ये आपका नाम दिखाएगा, यहाँ अकाउंट बन गया है आपका। 48-72 ओवर्स के बाद आपका अकाउंट आपका प्रॉपरली बन जाएगा आपका। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।